यार। क्या हुआ, क्या परेशान क्यों है? कुछ नहीं। कुछ तो है, बता ना क्या हुआ। यार तुझे पता तो है कुछ दिन बाद कॉलेज में फेस्ट है और रोहन भी वहाँ आ रहा है। ओहो, ये बात है, तब तो इंतजार नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी, ये बता, रोहन का आना परेशानी नहीं है? प्रॉब्लम कुछ और है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि प्रॉब्लम मेरी स्किन है यार। काफी टाइम हो गया मैंने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा, अब चेहरे की बैन बच गई है। कुछ दिनों में तो ये ठीक होने वाले हैं नहीं। पहले मैंने सोचा था कि फेशियल करवा लेती हूँ, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है यार और मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो जाएगी पूरी। तू बता तेरी स्किन कैसे इतना ग्लो कर रही है? सारी पॉकेट मनी उड़ा दी ना? नहीं यार, कोई भी पॉकेट मनी नहीं उड़ाई, एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा जी, कोई फेशियल नहीं करवाया? चल छुट्टी, मैं मान नहीं सकती इतना ग्लो कैसे आ रहा है। अरे यार कैसे समझाऊं, घर की ही सारी चीजों से मैंने ये ग्लो पाया है। घर पे? नहीं। हाँ सच में। मुझे भी बताना। तू मानेगी? हाँ मानूंगी, क्यों नहीं। तेरे चेहरे पे भी इतना ग्लो आ सकता है, मानेगी तो? असर होगा तो बिल्कुल मानूंगी। फिर चल बताती हूँ। चैलेंज दे रही हूँ ना सिर्फ तुझे बल्कि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी। पार्लर से भी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी स्किन और एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। और हाँ, 100% नेचुरल भी है। बहुत अच्छा है यार, पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा, पैसे ही बच गए और स्किन की अच्छी केयर भी हो जाएगी। चल आपको भी देखना हम क्या यूज कर रहे हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम फेस पैक बनाने वाले हैं, इस फेस पैक की खासियत ये है कि ये एक ग्लास स्किन फेस पैक है। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन का यूज करेंगे। बेसन में वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो डल से डल स्किन को भी निखार देती है, साथ ही साथ हमारी स्किन को 2-3 शेड तक लाइट भी करती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम हल्दी का यूज करेंगे। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो उसका ही यूज करें, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो जो घर पे हल्दी होती है आप उसका ही यूज कर सकते हैं। थर्ड, हम इसमें 1 चम्मच दही का यूज करेंगे। अगर गाढ़ा दही है तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं है तो जो नॉर्मल दही है आप उसी का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच हनी का यूज करेंगे। आपके पास जो भी हनी है आप उसका यूज कर सकते हैं। देखने में ये चारों इंग्रेडिएंट जितने ज्यादा सिंपल लगते हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल है हमारी स्किन के लिए। अच्छे से इन सबको आपस में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ऐसा एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अब आपका फेस पैक पूरी तरीके से रेडी है स्किन पे यूज करने के लिए। जान लेते हैं इसका यूज कैसे करना है। पैक का यूज करने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद 20 से 25 मिनट या 30 मिनट भी आप इसे अपने चेहरे पर रख सकते हैं और उसके बाद सादे पानी से इसे धो लीजिए। चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या फिर सेंसिटिव स्किन ही क्यों ना हो, हर स्किन टाइप वाले इसका यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की रेमेडी है, मैं तो अब इसे यूज करूंगी और पैसे भी बच गए, आप भी अपने पैसे बचाएंगे और अपनी स्किन को भी। देखा आ गया ना ग्लो, कहा था ना मैंने मैजिक की तरह काम करेगा। कम से कम 7 दिन तक इसे लगातार यूज कर, 7 दिन के बाद पार्लर से कई ज्यादा ग्लो आ जाएगा तेरे चेहरे पे। ऐसे तू इसे रेगुलर यूज कर सकती है, लेकिन क्योंकि तुझे पार्टी में जाना है तो 7 दिन तक बिल्कुल मत छोड़ियो। और हाँ, आप भी आज ही बनाओगी और आज इसे यूज करना भी स्टार्ट करोगे, पहले ही यूज में आपको इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसे लगातार यूज करेंगे तो आपकी स्किन में पिगमेंट हो चुकी है, डलनेस हो चुकी है, रिंकल्स की आपको प्रॉब्लम होने लगी है, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है या शेड आपका बहुत ज्यादा पहले के अकॉर्डिंग डल हो चुका है, तो यकीन मानिए ये एक रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप और कोई भी स्किन केयर यूज नहीं भी करोगे, इस फेस पैक को लगातार आप यूज कर लो तो भी आपकी स्किन पे इतना ग्लो एड कर देगा ये कुछ ही दिनों में कि इसको छोड़ नहीं पाओगे आप। क्योंकि मैं इसे काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूं और मुझे इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इसे लगातार कुछ दिनों तक यूज कर लेंगे ना आपको खुद लगेगा आपको इसको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसको कौन कौन यूज कर सकता है। देखिए, कोई केमिकल तो है नहीं इसमें, जैसे कि आपने देखा कि हम सिंपल और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज किए हैं, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसे बड़े यूज कर सकते हैं, छोटे यूज नहीं कर सकते या फिर किसी पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, टीन एजर हैं या फिर 30+ है, किसी भी एज की आप हो आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। मैं बात करूं, मुझे कहीं जाना होता है और मुझे पता होता है मैं पर्सन नहीं हूँ बहुत ज्यादा फेशियल और ब्लीचिंग वगैरह ये सब बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता और मेरी स्किन को सूट भी नहीं करता, मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है तो बेफिक्र होकर आप इसका यूज कर सकते हैं। मेरी खुद सेंसिटिव स्किन है और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करती हूँ। अगर आप इसे डेली यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। लास्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपका कोई सवाल हो, रेमेडी से रिलेटेड कोई सवाल हो या मुझसे ही आपको कुछ बात करनी है, तो कमेंट बॉक्स जो है वो आप ही के लिए है, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ और हर किसी का रिप्लाई करती हूँ। लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है यार फटाफट से कर डालो, ठीक है। मैंने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज ऐसा मत करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय। अब खुश है ना, तो अब फटाफट से बता दे कि पार्टी में ये वाली ड्रेस, ये वाली ज्यादा पसंद आ रही है मुझे भी। ये वाली ठीक है, तो ये वाली पहन ली, मैं ये वाली पहन ली।